पर यहाँ पर सभी आए हुए छात्र या नौजवान युवाओं का धन्यवाद करता हूँ। और आप मैं जो शाहीन बाग में दादियाँ हैं, उन्होंने एक आप लोग को संदेश दिया है कि जब हम 90 साल के उम्र में वो 35 दिन से वो ठंडों में जो 2 डिग्री का ठंडा था, जब लोग अपने घरों में रजाई के अंदर कंबल के अंदर बैठे हुए थे, तब वो संविधान बचाने की लड़ाई सड़कों पर लड़ रही थी। मैं कुछ अशार कुछ शेर के साथ आपको बताना चाहूँगा। लश्कर भी तुम्हारा सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो अखबार भी तुम्हारा है, इन अंधेरों के जिगर को चीर के नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। हक अपना छोड़कर जाना भी नहीं है, हक अपना छोड़कर जाना भी नहीं है, दुनियाओं के खुदा को मनाना भी नहीं है, चलना है मगर बुजुर्गों की डगर पर, हालांकि सराफत का जमाना नहीं है। ऐसा नहीं कि शहर के मंजर बदल गए, मंजर वही मगर सिकंदर बदल गए। यहाँ पर कम टाइम है, मैं अपने कम टाइम में बात रखना चाहता हूँ। जिस तरह से शाहीन बाग 13 तारीख को जामिया में बर्बरता हुई थी, तो शाहीन बाग के लोगों ने एक ऐप किया था कि जामिया और जामिया के तरह जो पहले भी JNU पर बर्बरता हुई थी, हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन वो आवाज़ इतनी बड़ी बन जाएगी कि देश का कोना कोना, हर शहर शहर और शाहीन बाग बन गया है। आप देखें, शाहीन बाग पूरे 35 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन ये गोदी मीडिया और जो BJP की सरकार के पास कोई प्रोपेगेंडा नहीं रहा, तो उन्होंने वहाँ पर लांछन लगाना शुरू कर दिया। वहाँ पर जो महिलाएं थी, हमारी माँ बहनें थी, जो आज तक मुस्लिम औरतों पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि 47 के बाद से मुस्लिम औरतों को घर से निकलने नहीं दिया जाता है, जब वो घर से निकली अपने हक और अधिकार के लिए, तो इनको कहा गया कि इनको 500 रुपया दे करके बैठाया गया है। हम ये उनसे जानना चाहते हैं, हमारी दादी माँ बहनों ने कहा भी है कि संघियों मनुवादियों, जो तुम लांछन लगाते हो, तुम आओ यहाँ पर, तुम सिर्फ 4 दिन बैठ करके यहाँ पर दिखाओ, वो तुम्हें 1,00,000 रुपया देंगी, कि तुम्हारे में वो हैसियत नहीं है, औकात नहीं है यहाँ पर बैठने की। ये अपने जैसा समझते हैं। जब मोदी की रैली होती है, BJP सरकार की रैली होती है, तो UP से लोग को बुलाया जाता है। ये खुद अपनी सोच के तरह लोग हैं। अब बताएं, जब कोई भी मामला होता है तो ये सबसे पहले BJP के लोग सबसे पहले ट्वीट कर देते हैं। हम यह जानना चाहते हैं, दूसरे लोगों के पास वो ट्वीट वो वीडियो क्यों नहीं आती है? कुछ गोदी मीडिया, सिलेक्टेड गोदी मीडिया, वो सबसे पहले प्रोपेगेंडा चालू कर देते हैं कि ये लोग 35 दिन से सड़कों पर बैठे हुए हैं, बिना मतलब का सड़कों पर बैठे हुए हैं। बिना मतलब का सड़कों पर नहीं बैठे हैं, जो 1947 से भी पहले मुस्लिम और हुक्मरानों ने, मुस्लिम बहनों ने और हमारे आलमुद्दीन ने, मौलानाओं ने, जब सभी अंग्रेज़ों को भगाने की बात थी, अपने कुर्बानी की बात थी, तो सबसे पहले आगे आए थे। आज वही वक्त आ गया है, संविधान खतरे में है, तो मुस्लिम माँ बहनों ने कहा है कि जब संविधान खतरे की बात आएगी तो सबसे आगे हम रहेंगे, हम अपना आगे आ करके कुर्बानी देंगे जान माल की। मैं एक नारे के साथ यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं बोलूँगा बागी आग, आप सिर्फ बोलेंगे शाहीन बाग। बागी आग, बागी आग, बागी आग, बागी आग, बागी आग, बागी आग, जय हिंद। थैंक यू मिराज भाई। हमारे बीच